10,000 টাকা দামের ওষুধ একটা 400 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে, 300 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। ইন্ডিয়া ভ্যাকসিন অল্প দামে দিয়েছে বলে আফ্রিকা থেকে কিন্তু বলাই যায় যে ইন্ডিয়া বিকাম দ্য ফার্মাসি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। স্বাগতম সবাইকে বিচার রিয়াকশনে, আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আরও একটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি দেখছি সেই ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে হাউ ইন্ডিয়া বিকাম দ্য ফার্মাসি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আর এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি পাওয়ার ট্রেন ইউটিউব চ্যানেল থেকে। আমরা আমাদের ভিডিও নিয়েছি, ওনাদের লিঙ্কটা দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে ওখান থেকেও ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি, কারণ আসলে ইন্ডিয়া অনেক মেডিসিন সাপ্লাই করছে, তো সেক্ষেত্রে আমাদের আরও অনেক অজানা তথ্য থাকতে পারে যেটা আমরা জানতে পারি এই ভিডিওর মাধ্যমে। 1969 में इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपने खुद के मार्केट के अंदर सिर्फ 5% मेडिसिन के लिए जिम्मेदार थी, और आज अपने खुद के मार्केट में 95% मेडिसिन का मार्केट शेयर वो रखती है। ग्लोबली डेवलपिंग मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 85% जो भी मेडिसिन होते हैं वो हमारे देश के अंदर बनते हैं, और साल 2020 में पूरे वर्ल्ड के लिए 64% मेडिसिन जो बनी वो हमारे देश में ही बनी थी। और इसलिए इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ये नाम इंडिया को मिला कैसे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। हमें 20 साल पीछे जाना होगा। अभी फिलहाल इंडिया में मेडिसिन पर पेटेंट नहीं मिलते और कोई भी मोनोपोली किसी भी मेडिसिन मार्केट में नहीं दी जाती। इस समय पर अफ्रीका संकट में था, 22.5 मिलियन लोग HIV का शिकार हो चुके थे, और ये एपिडेमिक बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था और इसे रोकने के लिए कई सारी कोशिशें हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अफ्रीका के सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी समस्या थी। उस समय पर वेस्टर्न देशों के द्वारा कुछ HIV के मेडिसिन खोज लिए गए थे, लेकिन एक पेशेंट को एक साल तक इन मेडिसिन का डोजेस कंप्लीट करने के लिए $10,000 की कीमत चुकानी पड़ती, जो आज के डेट में भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है किसी भी डेवलपिंग देश के लिए। और अगर आप 20 साल पहले के हिसाब से सोचो तो ये ऑलमोस्ट सारे लोगों के लिए एक अनअचीवेबल अमाउंट थी अपने खुद के ट्रीटमेंट के लिए। इसके वजह से सब सहारन देशों में HIV बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था, लोगों की इसके वजह से मौत हो रही थी, और कोई भी सॉल्यूशन अफोर्डेबल तरीके से इसके लिए नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पर हमारी इंडियन कंपनी सिप्ला ने एक चीज आइडेंटिफाई की, क्योंकि इंडिया में जेनेरिक ड्रग्स बनाने पर कोई भी पाबंदी नहीं थी, तो बिना पेटेंट डिस्प्यूट के सिप्ला HIV के ड्रग्स माइनर ट्वीकिंग के साथ में भारत के अंदर प्रोड्यूस कर सकती थी। और जो वेस्टर्न देशों के अंदर उस समय के फार्मा कंपनी से, जिन्हें बिग फार्मा के नाम से भी जाना जाता है, और हजारों % का मार्जिन वो अपने हर दवाई पे लगाते हैं, उसके बजाय सिप्ला छोटे छोटे मार्जिन के साथ में काफी ज्यादा सस्ती कीमतों पर ड्रग्स प्रोड्यूस कर सकता था। और साल 2003 में सिप्ला ने जो $10,000 की मेडिसिन वेस्टर्न देशों में से आ रही थी, उसके कंपैरिजन में सिर्फ $400 पर ईयर के हिसाब से डोजेस रिलीज की और अफ्रीकन देशों में उन्हें पहुंचाना शुरू कर दिया। और ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ। साल 2003 से लेकर साल 2008 तक सिर्फ और सिर्फ सिप्ला के मेडिसिन की वजह से अफ्रीका में HIV के केसेस 18 गुना कम हो गए, और ये एक एपिडेमिक लेवल पे फिर बाद में नहीं रहा। इसके बाद में यूनाइटेड नेशंस की जो एड्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनके डायरेक्टर ने पर्सनली अपने स्पीच के दौरान ये कहा कि अगर सिप्ला नहीं होती तो $2 बिलियन का खर्च जो इस पूरे अफ्रीकन मिशन में खर्च हुए हैं, उसके बजाय उन्हें $200 बिलियन तक का खर्च करना पड़ता था, और इसके लिए वो सिप्ला को धन्यवाद देना चाहते हैं। इन चीजों के बाद में इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड के फोकस में धीरे धीरे आने लगी, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन, क्वालिटी कंट्रोल और उन ड्रग के इफेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं थे जो वो इंडिया में बनते थे और किसी और देश में। इसलिए डॉक्टर्स का भी पूरा भरोसा था इंडियन ड्रग्स पर, और बाद में जितने भी डेवलपिंग देश है, अंडर डेवलप्ड देश है, और फिर कुछ डेवलप्ड देशों के अंदर भी इंडिया के ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए ड्रग्स को रिकमेंड किया जाने लगा, और डॉक्टर्स और उनकी बॉडीज ने इसे काफी अच्छा रिकग्नाइज किया। यहाँ पर हमारे जैसी कुछ इंडियन कंपनीज ने एक टेम्पलेट क्रैक कर ली थी कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म में किसी भी पर्टिकुलर ड्रग को लार्ज स्केल पर डिप्लॉय किया जा सकता है। यहाँ पर सन फार्मास्यूटिकल, रैनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, इन्होंने अपना इनिशियल रोडमैप कुछ इस तरीके से बनाया कि कुछ ऐसे डिजीजेज जो फिलहाल एपिडेमिक में है, बड़े स्केल पर फैल रही है, उनके लिए जो ड्रग्स अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, ज्यादातर लोग उन्हें रीच भी नहीं कर सकते। ऐसे ड्रग्स को वो बनाए, उन्हें सस्ती कीमतों पर मार्केट में ले आए, और उसके वजह से तेजी से उस मार्केट को कैप्चर कर ले। 21वीं सदी के पहले डेकेड में इन सारी कंपनीज ने ऐसी ही बीमारियों पर फोकस किया, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, मीजल्स,
इन जैसी एपिडेमिकली फैलने वाली बीमारियों के ऊपर हमारे देश ने कई गुना, इनफैक्ट कुछ केसेस में 40 से 50 गुना सस्ती ड्रग्स बनाई और बड़े पैमाने पर यहाँ पर भी एपिडेमिक्स फैल रहे थे वहाँ पर उन्हें पहुँचा दिया और वहाँ के लोगों को इंडियन ड्रग्स की वजह से रिलीफ मिला। ट्रस्ट बढ़ने के वजह से धीरे धीरे तो जो नॉर्मल बीमारियाँ होती है उनके लिए भी इंडियन कंपनीज के ड्रग्स को ही रिकमेंड किया जाने लगा और 2012 तक दुनिया भर की 133 देशों के अंदर हमारे देश के अंदर बने हुए मेडिसिन पहुंचने लगे थे। इस समय इंडिया में वैक्सीन मार्केट भी डेवलप होना शुरू हो गया था। अब ऑब्वियसली 2010 से लेकर 2015 के बीच में फार्मा इंडस्ट्री अच्छी खासी डेवलप हो गई थी, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि हमारे देश के अंदर की वैक्सीन इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी कैसी हो गई, इसके पीछे भी यूनाइटेड नेशंस का थोड़ा बहुत हाथ है। दोस्तों, आप में से कई लोग जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशंस की जो हेल्पिंग वाली एजेंसीज होती है, जो दुनिया भर के कई सारे अंडर डेवलप्ड देशों के अंदर वैक्सीनेशन के काम करती है, उन्हें एक लिमिटेड बजट मिलता है और ऑब्वियसली उनका काम है कि उस बजट के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों की वो मदद कर पाए। वेस्टर्न कंट्रीज में जो वैक्सीन बन रही थी उसके द्वारा एक दो देश भी ठीक से वैक्सीनेट नहीं हो पाते, जबकि हमारे इंडिया के अंदर बनी हुई वैक्सीन उसी कीमत पर पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स को वैक्सीनेट करा सकती थी और इंडिया के पास में वो कैपेसिटी भी थी उन्हें प्रोड्यूस करने की। और यूनाइटेड नेशंस ने जो भी वैक्सीन आज तक यूज की है वो इंडिया में ही बनी और आज की डेट में दुनिया भर में हर 3 में से 1 वैक्सीन इंडिया में ही बनती है और साल 2021 में यह आंकड़ा 2 में से 1 हो गया है, यानी हर दूसरी वैक्सीन 50% ऑफ वैक्सीन इंडिया के अंदर ही बनती है। अब मैंने कई बार ये मेंशन कर दिया कि इंडिया की वैक्सीन और ड्रग्स बहुत सस्ते हैं, चीप है, लेकिन इसके मेरा मतलब क्या है थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के साथ में समझते हैं। कुछ ड्रग्स का एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे। एचआईवी की जो वैक्सीन नॉर्मली मार्केट में मिलती है उसका एक डोजेज 2500 रुपीज का पड़ेगा अगर आप इंडियन काउंटर पार्ट से वो मेडिसिन खरीदो तो, जबकि वही चीज इंडिया में 12 रुपए में मिल जाती है। हेपेटाइटिस सी की दवाई 49,000 रुपीज पर डोज है जबकि इंडिया में 151 रुपीज में वो बन जाती है। ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया के लिए जो मेडिसिन होते हैं वो हर डोज के लिए 8,860 रुपीज की कीमत पर इंटरनेशनल मार्केट्स में अवेलेबल है, जबकि इंडिया में सिर्फ 66 रुपीज में ये ड्रग्स बन जाते हैं। अस्थमा की बीमारियों के लिए जो गोलियां मिलती है वो इंटरनेशनल मार्केट में 300 रुपीज पर डोज है, जबकि इंडिया में ये 4 रुपए तक नीचे आ जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी 9,233 रुपीज पर डोज की जो दवाइयां है वो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 30 रुपए में बना देती है, जबकि किडनी और लिवर कैंसर जैसी बीमारियों के लिए जब इंटरनेशनल मार्केट में लोग 11,595 रुपीज चुकाते हैं वही इंडिया में ये काम 30 रुपए में हो जाता है। और इसलिए दुनिया भर में जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज है, यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज है, जो भी इंसानियत की भलाई के लिए काम करने वाले ट्रस्ट है, वो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। रिसेंटली इसराइल, जापान, यूएस, ईयू, इन कंट्रीज के अंदर की कुछ बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, जैसे मैंने कहा जिन्हें बिग फार्मा के नाम से जाना जाता है, इन्होंने इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो भी रूल्स हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई होते हैं उन्हें चेंज कराने की कोशिश की ताकि मार्केट के अंदर हम और ज्यादा ग्रो ना हो पाए। बेसिकली ये देश अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो लॉज बनाए गए हैं पेटेंट रिलेटेड स्पेशली जेनेरिक ड्रग्स के बारे में उन्हें वो चेंज कर पाए ताकि इंडिया का मार्केट शेयर कम हो और अपनी महंगी दवाइयाँ ये बाकी कंट्रीज दूसरे देशों में भेज पाए। इसके लिए कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ने लॉबिंग करने की भी कोशिश की है। आप में से जो लोग नहीं जानते कि लॉबिंग क्या होती है, तो जब प्राइवेट कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को लुभाने के लिए पैसों का इस्तेमाल करती है ताकि रूल्स और लॉज उनके हिसाब से चेंज किए जाए तो उसे लॉबिंग कहा जाता है। कुछ देशों के अंदर ये लीगल भी होता है, यूएस और यूरोप के देश भी इसके अंदर शामिल है और ऐसी लॉबिंग करते हुए इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री को पीछे ढकलने की कोशिश की जा रही है आज की डेट में। लेकिन फॉर्चुनेटली कई सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के पीछे है, डॉक्टर्स विदाउट बाउंड्रीज, कुछ यूएन के ऑफिसर्स और जितने भी फ्रेंडली देश आज हमारे साथ में है वो इंडिया को बैक करते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर और वो चाहते हैं कि मेडिसिन सस्ती ही रहे और बिग फार्मा कोई भी रूल इंडिया के खिलाफ पास नहीं कर पाए। इसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट में आज थोड़ा प्रेशर है कि वो थोड़े बहुत रूल्स चेंज करे अपने पेटेंट से रिलेटेड ताकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उन पर कोई सैंक्शंस वगैरह ना लगे, लेकिन मोस्टली जो सपोर्ट आज इंडिया को मिल रहा है और स्पेशली 2021 में जो इम्पोर्टेंट रूल आज इंडिया का बन गया है पूरी दुनिया को हेल्दी रखने के लिए, उसके वजह से आने वाले कुछ सालों तक तो बिल्कुल भी किसी देश के द्वारा हमें प्रेशर आते हुए नहीं नजर आएगा, क्योंकि फिलहाल वही देश आज लाइन में खड़े हैं वैक्सीन लेने के लिए, दवाइयाँ लेने के लिए। इसके लिए रिसेंट में तो ये होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आज इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री $50 बिलियन की वैल्यू रखती है और साल खत्म होने तक यानी 2021 दिसंबर तक ये अकेली इंडस्ट्री $70 बिलियन तक पहुंच जाएगी, ऐसा मार्केट एस्टिमेट लगाया गया है। पिछले ही साल कई सारी छोटी फार्मा इंडस्ट्रीज डबल या ट्रिपल भी बन गई है और इनके स्टॉक्स मल्टीबैगर बन चुके हैं कुछ कुछ सेक्टर्स के अंदर,
और इसलिए और ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के बड़े होने में और इस तरह इंडिया बन गई फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। তো দোস্তো এই রে আজকে ভিডিও ভিডিওটা আসলে অনেক ভালো ছিল, অনেক ভালো ছিল। আসলে ইন্ডিয়া আসলে একটা ওয়ার্ল্ডের ফার্মাসি রূপ নিচ্ছে, কেননা এই কোভিডের ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রেও কিন্তু তারা অনেক বড় ধরনের অবদান রেখেছে, অবদান রেখেছে। আর যেটা বললো যে এখানে কিন্তু আসলে লবিং এর অনেক ব্যাপার স্যাপার থাকে, অনেক বড় বড় রাষ্ট্র চায় না যে এত কম দামে ওষুধগুলো বিক্রি হোক, আর যেটা আসলেই তো অনেক কম দাম, মানে যেটা ডিফারেন্সটা আমরা দেখলাম আমরা কল্পনা করার মতো না। তুমি চিন্তা করো একটা 10,000 টাকা দামের ওষুধ একটা 400 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে, 300 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে, আবার যেটা দেখা যাচ্ছে 11,000 এটা ইন্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচার করছে দেখা যাচ্ছে 4 টাকা 5 টাকা ইভেন কি 20 টাকা থেকে 40 টাকার মধ্যে হয়ে যাচ্ছে। সেটাই তো, এখানে কিন্তু অনেক ডিফারেন্স। আর এটা আসলে এত ডিফারেন্স এই কারণে আমার কাছে মনে হয় যে এটা বাধ্যতামূলক, যে মানে লজিক্যাল যে তারা চাইবেই যে তাদের ওষুধটা বেশি দামে বিক্রি হোক এবং প্রেসার দিবেই, এটা একদম স্বাভাবিক। কারণ মার্কেটে সবাই চায় যে তার জিনিসটাও যাতে বিক্রি হয়, সেই জন্য কিন্তু অন্যদেরকে উপরে সবসময় প্রেশার ক্রিয়েট করে, আর বড় বড় রাষ্ট্রগুলো তো আরও বেশি করে মানে এগুলো প্রভাব ক্রিয়েট করার চেষ্টা করে। তা আমার কাছে মনে হয় যে ইন্ডিয়া সেই তুলনায় যে প্রেশারটা এতদিন মাথায় ধরে রেখেও মানুষকে এত বড় সাপোর্ট দিতে পারছে, সেটা কিন্তু আসলে অনেক বড় একটা ব্যাপার। আর আমার কাছে আসলে এটাও জানা ছিল না যে তাদের 50 বিলিয়নের মতো এই ইনভেস্টমেন্ট শুধুমাত্র ওষুধের ক্ষেত্রে, আরও এটা এস্টিমেট করছে যে তারা 70 বিলিয়ন হবে। তো এটা অনেক বড় একটা মার্কেট। আর আমার কাছে মনে হয়েছে যে তারা এটাও বলেছে যে কিছু হেল্প যদি বাইরে না থাকতো, যদি জাতিসংঘ ওইভাবে হেল্প না করতো তাহলে ওদের জন্য খুব প্রবলেম হয়ে যেত। ইন্ডিয়া যদি আফ্রিকা মহাদেশকে এই ভ্যাকসিন দিয়ে হেল্প না করতো তাহলে আসলে আমরা যেমন এখন করোনাকে ভয় পাচ্ছি, করোনার জন্য আমরা জোরসোর হয়ে সবাই জোরসোর হয়ে বসে আছি, কোথাও মুভমেন্ট করতে পারছি না। আফ্রিকাতেও এমন একটা সময় ছিল যখন আফ্রিকা থেকে কেউ বাংলাদেশ আসতো না, সে এইচআইভি নিয়ে আসছে তাকে চেক করো, এই ধরনের অবস্থা ছিল। হ্যাঁ, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা সমস্যা ছিল ওই সময়। তো ইন্ডিয়া ভ্যাকসিন অল্প দামে দিয়েছে বলে আফ্রিকা থেকে কিন্তু এইচআইভি প্রভাবটা অনেক কমে এসেছে এখন। আর এই ধরনের হেল্প যদি ফরেন কান্ট্রিগুলো কিংবা পশ্চিমা দেশগুলো করতো তাহলে কিন্তু অনেক আগেই এই এইচআইভির যে ভয়টা ছিল সেটা রিমুভ হয়ে যেত, কিন্তু তারা সেটা করে নাই, সেটা করেছে ইন্ডিয়া। দ্যাটস ওয়াই আমরা এখন এইচআইভির এত প্রভাব দেখতে পাচ্ছি না। তাছাড়া যে জিনিসটা এখানে জানতে পারলাম খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেটা হচ্ছে 1969 5% পুরো ওয়ার্ল্ডের মধ্যে কাভারেজ ছিল ইন্ডিয়ান মেডিসিন, সেই জায়গায় এখন হচ্ছে 60% এবং আগামী 1-2 বছরের মধ্যে সেটা 65% পর্যন্ত কভার করবে। সো বলাই যায় যে ইন্ডিয়া বিকাম দ্য ফার্মাসি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আসলেই তাই। আর আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তারা যে কম দামে আর সব মানুষকে নিয়ে চলার যে একটা মানবিক দিকটাও দেখাচ্ছে, কারণ এত সবাই কিন্তু এফোর্ড করতে পারবে, কম দাম দেখেই এফোর্ড করতে পারবে। দামি ওষুধ হলে কিন্তু সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে এটা এফোর্ড করা সম্ভব না। তো এটা এখানে মানবিক দিকটাও আছে। তো আমার কাছে মনে হয় যে তাদের এই কাজ যেন আরও সুন্দরভাবে এগিয়ে যায় আর আরও মানুষকে হেল্প করতে পারে, যেমন আমাদেরকে করোনার মধ্যেও কিন্তু তারা অনেকটা হেল্প করেছে যে করোনার ভ্যাকসিনগুলো দিয়ে। তো সেক্ষেত্রে চাইবো যে তারা আরও বেশি বেশি মানুষকে হেল্প করুক, কম দামে মানুষকে ওষুধ দিক এবং আরও বেশি রিসার্চ সেন্টার করুক। আমাদের দেশেও মেডিসিন ফ্যাক্টরি আছে যেগুলো কাজ করে, কিন্তু আসলে এখনও ইন্ডিয়ার মতো এতটা বড় হয়ে পারেনি এই মার্কেটটা। আশা করি আমাদের দেশেও মার্কেটটা বড় হবে আর ওদের সাথে সাথে আমাদের দেশও কিছু শিখবে। হ্যাঁ, আমরাও মেডিসিন রপ্তানি করি, আমরা আমাদের যে ইয়ারলি আর্নিং আছে তার মধ্যে থেকে মেডিসিন আর্নিংয়ে কিন্তু আমরা এখন দ্বিতীয় অবস্থানে আছি, পোশাক খাত প্রথমে এবং দ্বিতীয়তেই হচ্ছে আমাদের মেডিসিন রপ্তানি। সো আমরা বলবো না যে আমরা আসলে অনেক পিছিয়ে আছি, বাট ইন্ডিয়া থেকে পিছিয়ে আছি, কেননা ইন্ডিয়ার কোম্পানিগুলো আরও অনেক বড় এবং তারা অনেক বেশি পরিমাণ জেনেরিক নিয়ে কাজ করে, আমাদের জেনেরিকের পরিমাণটা হয়তো বা কিছুটা কম, বাট আমরাও কিছু চেষ্টা করছি। আমরা একটা সময় এটাও হয়তো বিল্ড আপ হবে আর মানুষের আরও উপকারে আসবে। তো আর যে জিনিসটা হচ্ছে যে ইউনাইটেড নেশনের যে দেশগুলো আছে সেই দেশগুলোর সাপোর্টের কারণে ইন্ডিয়ার ওষুধগুলো অনেক বেশি পরিমাণ ক্যাপচার করতে পেরেছে। তো সেই দিক দিয়ে যে সমস্ত পশ্চিমা দেশ ইন্ডিয়ান মেডিসিনকে অ্যাভয়েড করে আসছিল, যে
তাদের মেডিসিন নিব না, আমাদের মার্কেটকে আমাদের ওষুধকে মার্কেটে বেশি পরিমাণ কাভারেজ দিব। কিন্তু তখন কান্ট্রিগুলো দেখলো যদি আমরা নিজেরাই আমাদের মেডিসিনের প্রাইস বাড়িয়ে দিই তাহলে কিন্তু তারা আসলে মার্কেট কাভার করবে কি, তাদেরও খরচ বেশি হয়ে যাবে। দ্যাটস ওয়াই তারা নিজেরাই এখন ইন্ডিয়ান মেডিসিনকে সাপোর্ট দিচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই কিন্তু এটা একটা পজিটিভ সাইন যে ইন্ডিয়া মানবিক দিক দিয়ে বেশি কাজ করেছে বলেই কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলো থেকে ভালো সাপোর্ট পাচ্ছে। আই হোপ দে উইল কন্টিনিউ দিস ওয়ার্ক ইন ফিউচার। আমিও এটা আশা করি যাতে ভবিষ্যতে তারা এই কাজটা আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, আরও বড় হয় এবং মানুষের উপকারে নিজেদের হাতটা বাড়িয়ে দেয়। আমাদের ভিডিওটি নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে আজকে, আর আজকের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আপনাদের সঙ্গে আমরা আর কী কী ধরনের ভিডিও শেয়ার করতে পারি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি।